नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। तो आइए एक बार रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार को वन क्षेत्र से आदिवासियों को बेदखल करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में वन भूमि को क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अलावा किसी अन्य को नहीं देने और भूमि के गैर कानूनी अधिग्रहण की जाँच के लिए SIT गठित करने की मांग की गई है। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को ऐसी ही लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें 21 राज्यों को वन भूमि में रहने वाले निवासियों को हटाने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने वन भूमि पर इन लोगों के दावे को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी के घर पर कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी PC चाको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित भी मौजूद हैं। बैठक में कांग्रेस और आप गठबंधन पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि राजधानी में कांग्रेस और आप के बीच लोकसभा चुनावों के मद्देनजर गठबंधन की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत की हवा तेज हो गई है। यही कारण है कि कांग्रेसी नेता आपके खिलाफ या गठबंधन को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अपने प्रचार में लग गए हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी अचानक चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी रखने के बाद गठबंधन के कयासों को बल दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। तीनों आतंकी जैश से जुड़े बताए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रविवार को एक कार में 3 युवक जा रहे थे, जिन्हें श्रीनगर के बाहरी इलाके में परिमपोरा नाके पर रोका गया। तलाशी के बाद हथियार मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर सोमवार को राज्य सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री के समर्थन की अपील वाली टी-शर्ट की मार्केटिंग करने के बजाय शिक्षा मित्रों की पीड़ा पर ध्यान देना चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान होता है। सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर डाली। जो सड़कों पर उतरे, सरकार ने उन पर लाठियां चलाई, रासुका के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही उन्होंने कहा, BJP के नेता टी-शर्ट की मार्केटिंग में व्यस्त है, काश वे अपना ध्यान इनकी और भी देते। बता दें, प्रियंका ने रविवार को गन्ना किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। किसानों का 10,000 करोड़ बकाया का मतलब उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और अगली फसल सब कुछ ठप हो जाना है। साथ ही कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी नौका यात्रा के बाद अब रेल यात्रा के जरिए लोगों से संपर्क करेंगी। प्रियंका गांधी 27 मार्च को दिल्ली से फैजाबाद के बीच रेल यात्रा करेंगी। इस यात्रा के दौरान बीच में आने वाले सभी सीटों पर लोगों से बात करेंगी। बता दें कि चुनाव में मतदाताओं से संपर्क के लिए इससे पहले प्रियंका ने प्रयागराज से वाराणसी के बीच नौका यात्रा की थी। प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए चुनावी अभियान को धार देने में जुटी हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रयागराज के हनुमान मंदिर में और गंगा की पूजा के साथ शुरू की थी। इसके बाद विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन किए, साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ में माथा टेका और दशाश्वमेध घाट गई। अब प्रियंका भगवान राम की नगरी अयोध्या का दौरा करने जा रही हैं, जहां वो हनुमानगढ़ी जाएंगी। प्रियंका लगातार अपने दौरे से BJP के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।